नमस्कार दोस्तों, प्रजापति ज्ञान नेटवर्क इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मुंबई शहर के सर के ताज यानी ताज होटल, वही ताज जिसे मुंबई की शान कहा जाता है, इसके अलावा ताज होटल को 26/11 आतंकी हमले के कारण भी जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो ताजमहल होटल के बारे में हम सभी भलीभांति जानते हैं, लेकिन ताज होटल को लेकर अक्सर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे इतने शानदार होटल को किसने बनवाया था, होटल ताज का मालिक कौन है, यहाँ एक चाय की कीमत कितनी होती होगी और एक रात के ठहरने का किराया कितना होता होगा। दोस्तों, ऐसी तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में मिलेंगी, साथ ही इसके निर्माण के पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी छुपी हुई है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, अरब सागर की ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों से तर होने वाली ये ताज की इमारत मुंबई के सर का ताज है, जिसके पन्ने से लेकर पन्ने तक की कहानी भी माया नगरी की तरह पूरी हुई थी। एक देशभक्त के दिल पर लगी चोट, जिसे एक होटल में एंट्री नहीं मिलती है, जिस कारण उसने ताज की नींव रखी थी। इसलिए दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। दोस्तों, मुंबई के कोलाबा जगह पर ताजमहल पैलेस होटल 5 सितारा होटल है, जो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने स्थित है। ताज होटल भारत की पहली ट्रेडमार्क इमारत है। कोई भी इस होटल के फोटो का अपने बिजनेस के फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ताज दुनिया की उन चुनिंदा इमारतों में से एक है जो ट्रेडमार्क हैं। इनमें न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट, पेरिस का एफिल टावर और सिडनी का ओपेरा हाउस शामिल हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं है कि ताज के साथ पहला नाम जुड़ा हो। ताज होटल भारत का पहला 5-स्टार होटल है, जिसमें सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया था। 16 दिसंबर 1903 को होटल का उद्घाटन किया गया था, उस समय वर्तमान मुंबई को बम्बई कहा जाता था। ताज होटल भारत का पहला ऐसा होटल था जिसे हार्बर बार और पूरे दिन चलने वाले रेस्टोरेंट का लाइसेंस प्राप्त था। इसके अलावा 1972 ईस्वी में देश की पहली 24 घंटे खुलने वाली कॉफी शॉप भी यहाँ मौजूद थी। दोस्तों, होटल ताज भारत का पहला ऐसा होटल था जिसके रेस्टोरेंट और बार में एयर कंडीशनिंग की सुविधा थी। 1933 ईस्वी में ताज में एसी का प्रयोग मेहमानों के लिए पहली बार किया गया था। ताज होटल भारत का पहला ऐसा होटल था जिसमें इंटरनेशनल स्तर का नाइट क्लब मौजूद था। ताज में जर्मनी एलिवेटर्स, तुर्किश बाथटब और अमेरिकन कंपनी के पंखे लगाए गए थे। होटल ताज भारत का पहला ऐसा होटल था जिसमें अंग्रेज बटलरों को रखा गया था। होटल ताज के शुरुआती 4 दशकों तक होटल ताज की किचन में फ्रेंच शेफ ही खाना बनाते थे। दोस्तों, मुंबई का यह आलीशान होटल हमेशा से होटल नहीं रहा है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के समय होटल को 600 बेड वाले हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। जिस समय होटल की शुरुआत की गई थी, उस समय होटल के सिंगल रूम का किराया लगभग 10 रुपये था। इसके अलावा पंखे के साथ में रूम बाथरूम अटैच्ड वाले कमरे का किराया 13 रुपये था। दोस्तों, इस शानदार होटल का डिजाइन सीताराम खंडेराव और डीएन मिर्जा ने तैयार किया था, लेकिन होटल का निर्माण पूर्ण होने से पहले ही सीताराम जी की मृत्यु होने के बाद अंग्रेज आर्किटेक्ट W.A. चैम्बर ने इसे पूरा करवाया था। दोस्तों, ताज होटल की सुंदरता की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। इस होटल के अंदर लग्जरी कमरों के साथ साथ वो सारी सुविधाएं मौजूद हैं जो एक 5 सितारा होटल में होती हैं, जो इसे बेमिसाल बनाती हैं। मौजूदा समय में होटल में 560 कमरे एवं 44 स्वीट्स रूम हैं। दुनिया के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आकर ठहरते हैं। दोस्तों, 26 नवंबर 2008 की रात थी जब आतंकवादियों ने मुंबई के इस भव्य होटल पर हमला किया था, जिसमें ताज होटल का बहुत नुकसान हुआ था। उस रात 3 से 4 आतंकवादी होटल में घुसे थे, जिनके हाथों में AK-47 बंदूकें थी और वे ताबड़तोड़ गोलियां बरसा रहे थे। एक बार तो ये आतंकी भी इस भव्य ताज की चकाचौंध को देखते रह गए थे। हमलावरों ने होटल को अंदर से पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। जिस समय आतंकियों ने होटल पर हमला किया था, उस समय होटल में 500 यात्री ठहरे हुए थे। आतंकियों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाने के कारण बहुत यात्री बुरी तरह से घबरा गए थे, जिसमें काफी लोग घायल हुए थे और कुछ मारे भी गए थे। इसके बाद होटल की सुरक्षा के लिए मुंबई पुलिस और मिलिट्री फोर्स के जवान वहां पहुंच गए थे। काफी मशक्कत के बाद मुंबई पुलिस व मिलिट्री फोर्स के जवानों के सहयोग से इस होटल को आतंकियों के चंगुल से आजाद कराया गया था। इसके बाद होटल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इस हमले में हमारे देश के कुछ जवान भी शहीद हुए थे, जिनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस आतंकी हमले के बाद ताज होटल के पुनर्निर्माण में लगभग 40 मिलियन रुपए का खर्चा हुआ था। हमले के 2 साल बाद 15 अगस्त 2010 को होटल ताज को पर्यटकों के लिए खोला गया था। इसके साथ ही होटल की सुंदरता को और भी भव्य बना दिया गया था। ताज होटल में हमले के पुनर्निर्माण के बाद बराक ओबामा 6 नवंबर 2010 में यूनाइटेड स्टेट के जाने माने प्रेसिडेंट, पहले राष्ट्राध्यक्ष थे जो होटल में ठहरे हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी जिन्होंने मुंबई हमले में अपनी जान न्यौछावर की थी। और बराक ओबामा जी ने अपने संबोधन सभा में भी कहा था कि ताज भारतीयों के संगठन एवं अनुकूल का प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति को भलीभांति प्रदर्शित करता है। दोस्तों, ताजमहल होटल के निर्माण के पीछे एक बेहद रोचक कहानी छुपी हुई है। दोस्तों, अरब सागर की ऊंची ऊंची उठने वाली लहरों से तर होने वाली ये ताज की इमारत मुंबई के सर का ताज है।
जिसके पन्ने से लेकर पन्ने तक की कहानी भी मायानगरी की तरह पूरी हुई थी। एक देशभक्त के दिल पर लगी चोट जिसे एक होटल में एंट्री नहीं मिलती है, जिस कारण उसने ताज की नींव रखी थी। दोस्तों, ये बात जबकि है जब भारत में अंग्रेजी हुकूमत का बोलबाला था। अपने शासन के दौरान वे भारतीयों से बहुत भेदभाव करते थे, वही गोरा काला। इसी भेदभाव के चलते जमशेद जी टाटा के दिल को लगी ठेस ने मुंबई को एक ऐसी इमारत दे दी जिसकी पहचान आज देश विदेशों में है। दोस्तों, सिनेमा के जनक लुमायर भाइयों ने अपनी पहली फिल्म का शो मुंबई उस समय के मुंबई के आलिशान वॉटसन होटल में किया था। शो को देखने के लिए केवल ब्रिटिश लोग आए हुए थे, क्योंकि होटल के बाहर एक तख्ती पर लिखा था कि भारतीय और कुत्तों का होटल में प्रवेश वर्जित है। दोस्तों, टाटा समूह के जमशेद टाटा भी 7 जुलाई 1896 ईस्वी को लुमायर भाइयों की फिल्म देखने के लिए वॉटसन होटल में गए थे, क्योंकि उनको वहां जाने का निमंत्रण मिला था, लेकिन भारतीय होने के कारण उन्हें होटल में नहीं घुसने दिया जाता है। इससे उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। इसके बाद जमशेद टाटा ने 2 साल बाद वॉटसन होटल की इमारत को धूमिल करके एक बेशकीमती शानदार ताज होटल का निर्माण कराया। 14 दिसंबर 1903 में यह होटल बनकर तैयार हुआ था। उस समय इसके निर्माण में 25 लाख रुपए का खर्चा आया था। दोस्तों, आज के समय में भव्य ताज होटल में एक चाय की कीमत 500 रुपए है। इसके अलावा एक वेज थाली की कीमत 2000 रुपए तक है। यहाँ एक दिन कमरे में ठहरने का किराया लगभग 30,000 से 1,00,000 रुपए से ऊपर है। तो दोस्तों, ऐसे बना था ताज होटल। ये थी इसकी पूरी कहानी। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।